दादा बिल्कुल मेरी फिक्र ना करें, सब यहाँ बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। आप आराम करें, हम सुबह में बात करेंगे। अच्छा, नानी जान आई है आपको बात करनी है? मेरी बात करा। अस्सलाम वालेकुम आपा। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप दादी हैं ना उसकी, तो बस मेरी नवासियों की तरह वो मुझे नानी अम्मा कहती है। बल्कि यूं समझिए कि दादी की आगोश से निकल के नानी के पास आ गई। बस आप परेशान मत होइए, सो जाइए आराम से। चलिए खुदा हाफिज़। ये बेटा, वो तुम्हारा बिस्तर मैंने फरहीन और नौरीन के कमरे में लगवा दिया है। अगर तुम्हें मुश्किल हो तो सुबह परवीन से कह के तुम्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा दूंगी। नहीं नहीं नानी जान, कोई जरूरत नहीं है, आप फिक्र ना करें, मैं उन्हीं के साथ रह लूंगी। बेटा ये घर मेरे पोते का है, वो आजकल मुल्क से बाहर गया हुआ है तो। नहीं नानी जान, आप फिक्र ना करें, मैं नौरीन और फरीन के साथ रह लूंगी। जीती रहो बेटा, मेरी पूरी कोशिश है कि तुम्हें यहाँ पे कोई तकलीफ ना हो, तुम आराम से रहो। बस मेरे पोते का मिजाज जरा दूसरे किस्म का है, उसकी किसी बात का बुरा मत मानना।